शुक्रवार को जिला व महानगर कांग्रेस कमेटी के संयुक्त तत्वाधान में एकजुट हुए कांग्रेसी और पेट्रोल डीजल के मूल्य में निरंतर हो रही वृद्धि का नगर निगम के रानी शिवाई पार्क में विरोध प्रदर्शन किया। पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ने से आम जन में केंद्र सरकार के खिलाफ आक्रोश है, जिसे भुनाने की तमाम राजनीतिक पार्टियां लगी हैं। लोकसभा चुनाव अगले ही साल होना है। पेट्रोल डीजल के दामों में मूल्य वृद्धि का विपक्ष को सरकार पर जुमानी हमला करने का अच्छा मौका मिल रहा है, इसलिए आम नागरिकों और किसानों की समस्या को कांग्रेस ने मुद्दा उठाया है। पेट्रोल डीजल के मूल्य वृद्धि के विरोध में महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन भी सौंपा है। गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए महानगर कांग्रेस अध्यक्ष अरुण कुमार अग्रहरी ने कहा, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, विरोधी या सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शिक्षा विरोधी या सरकार नहीं चलेगी, नहीं। राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद। पेट्रोल का मूल्य कम करो, कम करो, कम करो। डीजल का मूल्य कम करो, कम करो। आज का हम समस्त कांग्रेस जन रानी लक्ष्मीबाई पार्क नगर निगम में इस धरने के माध्यम से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मोदी सरकार द्वारा निरंतर किए जा रहे वृद्धि के विरोध में हम सब लोग धरने के माध्यम और धरने और ज्ञापन के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति भारत सरकार को यह ज्ञापन देकर केंद्र की और प्रदेश की सरकार के विरुद्ध एक निर्णय लेने के लिए आदेश देने के लिए यहां पर इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। जैसा कि जब से केंद्र के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है और यह एक संयोग रहा है को तभी से अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल का दाम जो यूपीए के कार्यकाल में हुआ करती थी $135 प्रति बैरल, तुलनात्मक रूप से $30 प्रति बैरल तक पहुंच गया। लेकिन मोदी सरकार द्वारा इस तेल के या डीजल पेट्रोल डीजल के दाम को कम ना करके देश की आम जनता के साथ छल करने का काम किया गया। पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ने के वजह से सिर्फ एक वर्ग नहीं प्रभावित होता है, बल्कि इससे रोजमर्रा या दैनिक उपयोग की जो भी चीज़ें हैं वो सारे चीज़ें प्रभावित होती हैं, उनके कीमतों में वृद्धि होती है। लेकिन इस केंद्र सरकार द्वारा जहां जीएसटी यहां लाया गया और उसका एक टैक्स स्लैब मैक्सिमम 28% रखा गया है, लेकिन एक चाल चल के देश की जनता के साथ छल करने का काम किया, पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे से बाहर रख। जब सभी वस्तुओं को जीएसटी के दायरे में लाया गया तो क्या ये सही है वो पेट्रोल और डीजल जिससे लगभग सभी चीज़ों की कीमतों प्रभावित होती है उसको जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया। निश्चित रूप से इस सरकार का यह कदम उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए, आम जनता को तबाही के कगार पर पहुंचाने के लिए किया गया है। अगर पेट्रोल की दाम और डीजल की कीमतों में अगर कमी नहीं होती है उस दौरान आप क्या करेंगे? हमारा संघर्ष निरंतर चलता रहेगा। 2019 सन्निकट है और हम लोगों का कार्यक्रम इधर पिछले एक हफ्ते में 5-6 कार्यक्रम होता हुआ है और इस केंद्र सरकार की जितने भी जन विरोधी नीतियों हों, चाहे वो पेट्रोल डीजल की चीज़ें हों, चाहे वो स्मार्ट सिटी ना बनाने की बात हो, चाहे वो 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात हो, चाहे वो काला धन वापस लाने की बात हो, चाहे एक भारतीय सैनिक के बदले 10 पाकिस्तानी सैनिकों का सिर लाने की बात हो, तमाम जितने भी मुद्दे जो इन्होंने देश की जनता के साथ 2014 के लोकसभा चुनाव में अपने भाषणों के माध्यम से कह के उनके साथ विश्वासघात करने, आज कार्यकाल में आने के बाद विश्वासघात करने का काम किया, तो जब तक इस सरकार को खार नहीं फेंकेंगे तब तक निरंतर इस तरह का हमारा कार्यक्रम विभिन्न रूपों में चलता रहेगा।